इन एसोसिएशन विद CSP फूड्स। नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। लेकिन संगमित्रा मौर्य को क्या साथ रहेंगी आपकी? देखिए, ये विषय अभी वो सांसद 2019 में बनी है, 2024 के चुनाव के पहले तक वो सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस वक्त बीजेपी और बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे का पूरी तरह से धागा खोल रखा है। वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अब भी बीजेपी से सांसद हैं। यही नहीं, उनके सोशल मीडिया पर पूरा माहौल बीजेपी में लगेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बदायूं की सीट पर बीजेपी संघमित्रा मौर्य को टिकट देगी, जो कि वास्तव में सपा का गढ़ है। जब यूपी तक उत्सव में इस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे पार्टी के संगठन का विषय बताया, लेकिन टिकट की बात को खारिज नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य आप लोगों के निशाने पर हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य आपकी सांसद हैं, तो ये विरोधाभास कैसा है? क्या आपको लगता है कि यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, मेरे निशाने पे पहले तो आप स्पष्ट हो ले, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है और स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये श्री अखिलेश यादव के भोपू बन करके बोल रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अब अखिलेश यादव जी श्रीमद् भागवत कथा में जाएंगे और उनको कहेंगे श्री रामचरितमानस की चौपाई का विरोध करो, तो बलि चढ़ाने के लिए एक आदमी चाहिए तो उनको आगे कर दिया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को यह मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में भाग ले, अयोध्या आके रामलला जी हनुमान जी के दर्शन करें या अखंड रामायण के पाठ के किसी कार्यक्रम का हिस्सा ले, भगवान की अगर वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति है तो अंदर से होनी चाहिए, न जीवों के लपालप से होगा न दिखावे से होगा। अगर सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करोगे सब अच्छा होगा, अगर कच्चे मन से और संकित मन से ऐसा करोगे तो उसका कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ के पूज्य संत तो बताएंगे, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ अगर सच्चे मन से प्रभु के शरण में जाओ तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। और दिखाने के लिए जाओ, जो दिखाने का काम इस समय चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से यह मजबूर हो गए कि मंदिर में भी दर्शन करने जाना है, अन्यथा रोजा अवतार की पार्टियां करने के अलावा इनके पास फुर्सत नहीं होती थी। लेकिन संघमित्रा मौर्य को क्या साथ रहेंगी आपकी? देखिए, ये विषय अभी वो सांसद 2019 में बनी है, 2024 के चुनाव के पहले तक वो सांसद हैं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय भी नहीं है कि वो सांसद रहेंगे कि नहीं रहेंगी, आपकी पार्टी में रहेंगी या निर्णय सांसद के प्रत्याशी बनाने या उनको सांसद का चुनाव लड़ाने का हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड करता है। पार्टी में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, यह अभी पार्टी में है तो नहीं रहेंगी कि रहेंगी, या अभी मैं उसमें क्या बोलूं? अभी मैं ये मानता हूं कि जो पार्टी के अंदर है, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा है और वह जीता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कमल के नाम पर, तो उसकी निष्ठा उसी प्रकार से कायम रहनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर नजर आए, लेकिन संघमित्रा के मुद्दे पर वो काफी सधे नजर आए। वैसे भी अगर बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी जिन 9 सीट्स पर खुद को सबसे कमजोर मान रही है उसमें संघमित्रा की बदायूं भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट,